आज की क्लास में बच्चों हम लोग 11 चैप्टर जो मीजरमेंट एंड मोशन है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो बच्चों मीजरमेंट क्या होता है? मापना। एंड मोशन क्या होता है? हमारे पास गति होती है, ठीक है? मीजरमेंट तो आपके पास क्या होता है? मापना। और मोशन क्या होता है? गति होती है, ठीक है? जैसे हम लोग मीजरमेंट, वैसे किसी भी चीज का आपके पास लिया जा सकता है। लेंथ का मीजरमेंट कर सकते हैं हम लोग, डिस्टेंस का मीजर कर सकते हैं, ठीक है? एरिया वगैरह का मीजरमेंट हम ले सकते हैं। एरिया कैसे हो जाएगा? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, वो आपके पास एरिया आ जाता है, ठीक है? तो इस चैप्टर में हम लोग मीजरमेंट की क्या यूनिट होती है, मोशन एंड स्पीड, ठीक है, इन चारों फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्टिंग में इसका इंट्रोडक्शन दे रखा है। इंट्रोडक्शन देखिए क्या है। मेजरमेंट हैज इट्स ओन प्लेस इन अवर लाइफ। जैसे कि हमें पता है हर एक इंसान की, हर एक पर्सन की क्या होती है, अलग अलग इंपोर्टेंस होती है, वैसे ही मेजरमेंट की एक अलग क्या है आपके पास इंपोर्टेंस है, किसके, हमारी लाइफ के अंदर, ठीक है? जैसे हम लोग स्कूल में टाइम पे पहुंचते हैं, विदाउट, अगर टाइम पे नहीं पहुंचेंगे तो क्या होगा? पनिशमेंट मिलेगा, है ना? तो क्या होता है, यू मीजर द टाइम एंड रीच स्कूल इन टाइम। आप लोग टाइम को माप करके ही स्कूल में पहुंचते हो। यदि आपको जल्दी स्कूल में जाना है तो आप जल्दी रेडी होंगे, है ना? तो क्या होगा, मीजरमेंट की अलग एक क्या है, अपनी इम्पोर्टेंस होती है हमारी लाइफ के अंदर, ठीक है? जैसे हम लोग जो भी इस मार्केट में से सामान लेके आते हैं, 1 kg, 2 kg, ठीक है, तो वो क्या हो गया, मेजरमेंट ही हो गया कि हमें कितना लेके आना है माप करके। जैसे मिल्कमैन हो गया, दूध वाला हो गया, तो वो भी क्या करता है आपके पास मेजरमेंट का यूज करता है। आप ऐसे बोल लोगे कि हाफ लीटर दूध दे दीजिए, ठीक है, आधा लीटर दूध के लिए क्या करेगा, वो अलग मेजरमेंट का यूज करेगा, ठीक है? 1 kg बोलोगे, 1 लीटर के लिए बोलोगे तो वो दूसरा वाला यूज करेगा, ठीक है? क्योंकि अलग अलग जो कंटेनर है उनका अलग अलग वॉल्यूम होगा, है ना? ऐसे ही डॉक्टर्स हैं, वो टेम्परेचर को मापते हैं, तो उनके लिए कोई डिवाइस होना चाहिए, थर्मामीटर वगैरह, बुखार को या फिर आपके टेम्परेचर को मापने के लिए। तो मेजरमेंट की एक अलग क्या है आपके पास इम्पोर्टेंस है। टेलर वगैरह है, वो स्टिचिंग करते हैं क्लोथ्स का, ठीक है, तो वो हमारा मेजरमेंट लेते हैं, ठीक है, कितनी लेंथ का आपको कपड़ा जो भी है सिलवाना वगैरह है, ठीक है? तो ये सब है मेजरमेंट की इम्पोर्टेंस, ठीक है? हिस्ट्री ऑफ मेजरमेंट, हिस्ट्री ऑफ मेजरमेंट में आपके पास आता है बच्चों क्या, मेजरमेंट ऑफ लेंथ। मैम मैम मोशन का मीन्स, क्या बच्चे? मोशन मीन्स मोशन मीन्स गति होता है गति, बेटा, हाँ जी, मोशन मीन्स गति एंड मीजरमेंट मीन्स मापना, ठीक है? जैसे ये देखो क्या है, ये आपके पास मीटर स्केल है ना आपके पास, ये है ना? तो इससे क्या करते हो, आप मीजरमेंट करते हो, ठीक है? मोशन, गति का कैसे मोशन करोगे? जैसे आपके पास कोई कार चल रही है तो आप ऐसे कहोगे कि 1 आवर में उतने, 1 घंटे में उस उतने, 1 घंटे कार ने कितना किलोमीटर, वो भी क्या है आपके पास मेजरमेंट ही तो है आपके पास, उसकी स्पीड बता देगी, ठीक है? हिस्ट्री ऑफ मेजरमेंट मतलब बहुत सालों पहले, मतलब क्या इतिहास है इसका मेजरमेंट का। तो पहले क्या होता था बच्चों, ना तो हमें डिस्टेंस के बारे में पता था, ठीक है? जैसे
से हम लोग स्कूल में आते हैं बच्चों, तो हमें नहीं पता कि कितना किलोमीटर है हमारा स्कूल। मान लीजिए हम पैदल आते हैं, तो हमें ये नहीं पता कि हमारा स्कूल कितना किलोमीटर है। ठीक है, विदाउट एनी, बिना ट्रांसपोर्ट के आप आ रहे हो, तो आपको पता नहीं है कि मतलब कितना किलोमीटर है। तो मेजरमेंट की हेल्प से आपको क्या पता चल जाएगा, डिस्टेंस का पता चल जाएगा। ठीक है ना, वो आपके लिए इजी हो जाएगा। मेजरमेंट ऑफ लेंथ और डिस्टेंस केम क्वाइट अर्ली ड्यूरिंग सिविलाइजेशन। जो आज का जो आधुनिकरण है, हमारा सिविलाइजेशन है, उसमें क्या है, लेंथ का जो मेजरमेंट है या डिस्टेंस का, वो बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। उसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रेवल कर पाते हैं इजीली। ठीक है, मैन यूज टू ट्रेवल ओनली ऑन फुट और ऑन द बैक ऑफ एनिमल। पहले क्या होता था बच्चों, बहुत सालों पहले तो क्या होता था, हमारे पास व्हीकल्स नहीं थे। अब तो ट्रांसपोर्ट के व्हीकल्स हैं, कार है आपके पास, बाइक है। ठीक है, तो बहुत सालों पहले तो ये सब व्हीकल्स नहीं होते थे, उस टाइम पे कैसे ट्रांसपोर्ट करते थे, यातायात के साधन नहीं थे, तो या तो पैदल चलते थे या फिर एनिमल्स के, एनिमल्स का यूज किया करते थे, कैमल वगैरह का। ठीक है, हॉर्सेस का। तो पहले तो हमारे पास व्हीकल्स नहीं थे, तो मैन जो आदमी है आपके पास, जो ह्यूमन बींग्स है, वो कैसे ट्रेवल करते थे, या तो पैदल या फिर एनिमल्स की हेल्प से। ठीक है, और वाटर रूट्स, जैसे पानी वगैरह को, जैसे वाटर रूट्स हैं, उसके लिए तो बोट्स हो जाएंगे आपके पास, जो नाव वगैरह है वो बोट्स ऑफ सिंपल लॉग्स की दे होलो कैविटी इन द सेंटर वर यूज्ड। जो बोट्स हैं आपकी, जो नाव है, उनका यूज करते थे हम लोग। ठीक है, फिर उसमें बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, इन्वेंशन हुआ, आविष्कार हुआ, किसका, पहिए का, व्हील का आविष्कार हुआ। ठीक है, व्हील क्या होता है, पहिया होता है ना, तो व्हील का क्या हुआ बच्चों, इन्वेंशन हुआ। इन्वेंशन होने के बाद क्या हुआ, जो व्हील कार्ट है वो आई हमारे पास। ठीक है, 19th सेंचुरी के जो, इन द अंटिल द बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी पीपल वर स्टिल डिपेंडेंट ऑन एनिमल पावर। जो 19वीं शताब्दी है, जो आपकी 19th सेंचुरी है, उसमें भी पीपल हैं, लोग हैं, वो डिपेंड रहते हैं, डिपेंड रहते थे इसके ऊपर, एनिमल के ऊपर। ठीक है, क्योंकि लोगों के पास इतना क्या नहीं था, इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं था, इतना पैसा वगैरह नहीं था उस टाइम पे, फिर भी क्या है, एनिमल की जो पावर है, मीन्स एनिमल्स का यूज करते थे वो ट्रांसपोर्ट के लिए, यातायात के लिए। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे स्टीम इंजन आया आपके पास, जो भाप इंजन है वो। फिर रेलवे लाइन्स का, रेलवे लाइन्स आपके पास, उनका यूज होने लग गया सामान को लाने ले जाने के लिए। ठीक है, फिर पीपल्स हैं, पैसेंजर हैं, वो ट्रेन का यूज करने लगे। ठीक है, फिर आपके पास जो मोटराइज्ड व्हीकल्स हैं, आपके पास बसेस हैं, कार्स हैं, ट्रक हैं, फिर धीरे धीरे हमारे पास वो आ गए। ठीक है, तो फिर उनसे हमारे लाइफ क्या हो गई, इजी हो गई। ठीक है, तो ये सब क्या है, हिस्ट्री ऑफ मेजरमेंट है। स्टार्टिंग में हमारे पास कोई भी ऐसे व्हीकल्स वगैरह नहीं थे, उस टाइम पे जो मैन वगैरह हैं, जो इंसान ह्यूमन बींग्स हैं, वो हमारे पास ट्रांसपोर्ट के लिए या तो पैदल चलते थे या फिर एनिमल्स की सहायता लेते थे। धीरे धीरे क्या हुआ, व्हील का आविष्कार हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ, फिर ट्रेन चलने लग गई आपके पास। ठीक है, और फिर हमारे पास ये सब चीजें हैं, ये बोट है, शिप है, कार है, बसेस, ट्रक, इन सभी का क्या हो गया, धीरे धीरे आविष्कार हो गया। ठीक है, फिर आगे है बच्चों, डेवलपमेंट ऑफ एरोप्लेन स्टार्टेड इन अर्ली 1900 AD। जो एरोप्लेन का आविष्कार है वो 1900 AD में हो गया। ठीक है,
जो इलेक्ट्रिक ट्रेन्स हैं, मोनोरेल्स हैं, सुपरसोनिक एरोप्लेन्स हैं, इन सभी का कब हुआ? 20th सेंचुरी में। अब कौन सी सेंचुरी चल रही है बच्चों हमारी? 21 सेंचुरी चल रही है। किसवीं शताब्दी चल रही है? हाँ, वेरी गुड, 21 सेंचुरी चल रही है हमारी। अब देखिए यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स, मेजरमेंट्स की यूनिट, ठीक है? तो मेजरमेंट्स की यूनिट के लिए क्या होगा? मेजरमेंट ऑफ, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट को मापने के लिए क्या यूनिट होने चाहिए? तो बच्चों डिस्टेंस को हम मीटर में मापते हैं, मास है किसी चीज का उसको हम किलोग्राम में मापते हैं हमारे पास, ठीक है? मेजरमेंट इज द कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विद द फिक्स्ड क्वांटिटी। किसी फिक्स्ड क्वांटिटी से किसी अननोन क्वांटिटी का क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं। जैसे जो आपके पास ये लगा लीजिए, जो कोई सामान लेते हो 1 kg या फिर 2 kg, तो जो आपके पास जो बट्टा होता है या फिर यूं लगा लीजिए जो वेट होता है 1 kg का, ठीक है, उसका कंपैरिजन करते हैं। वन साइड तो वो रख लेते हैं और दूसरी साइड जैसे जो भी हमें सामान लेना है 1 kg 2 kg, ठीक है, दूसरी साइड उसको रख लेते हैं। फिर हम उसका क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं कि जो आपके पास जो क्वांटिटी है, जो मात्रा जो आपने ली है उस सामान की, और जो आपका जो वेट है 1 kg, वो बराबर है या नहीं है। तो क्या किया हमने? कंपैरिजन कर लिया ना फिक्स्ड क्वांटिटी का इसके साथ, अननोन क्वांटिटी के साथ, ठीक है? तो मेजरमेंट के आपके पास बच्चों दो पार्ट होते हैं, एक तो नंबर कितनी संख्या में है और एक फिक्स्ड पार्ट जिसको क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। मेजरमेंट हैज टू पार्ट, ए नंबर एंड ए फिक्स्ड पार्ट कॉल्ड यूनिट। देखो फॉर एग्जाम्पल, ए वेजिटेबल सेलर वेट 5 kg ऑफ पोटैटो अगेंस्ट द फिक्स्ड वेट ऑफ 5 kg इन बैलेंस। कोई वेजिटेबल सेलर है या फिर कोई दुकान वाला है, जो भी है, वो 5 kg पोटैटो को क्या कर रहा है? वेट कर रहा है, ठीक है? एक साइड तो 5 kg पोटैटो रख लिया और दूसरी साइड 5 kg का क्या रख लिया? वेट रख लिया इन द बैलेंस, बैलेंस करने के लिए। तो हमें पता है 5 तो क्या है? नंबर है, 5 इज द नंबर एंड किलोग्राम इज द यूनिट, ठीक है? तो 5 तो हमारे पास नंबर हो गया और किलोग्राम क्या हो गया? यूनिट हो गई हमारे पास, ठीक है? देर आर सेवरल क्वांटिटीज विच नीड्स मेजरमेंट। हमें पता है बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जिनका हम कैसे यूज करते हैं? मेजरमेंट के हेल्प से हम उनका यूज करते हैं, ठीक है? मेजरमेंट की हमें मापने की जरूरत पड़ती है, जैसे मास है, वेट है, टाइम है। टाइम को कैसे मापेंगे? घड़ी के हेल्प से, वॉच की हेल्प से, टाइम सेकंड, मिनट, आवर, ठीक है, डे, ऐसे ही मापेंगे टाइम को हम लोग। लेंथ हो गया, टेम्परेचर है, टेम्परेचर को किससे मापते हैं? थर्मामीटर से, ठीक है? लेंथ को किससे मापेंगे हम लोग? मीटर स्केल से, ठीक है? सरकमफेरेंस है, ब्रेड्थ है, वॉल्यूम है। तो ये सभी क्या है? क्वांटिटीज है, ठीक है, जिनकी जरूरत पड़ती है, जिनका हम मेजरमेंट्स करते हैं, ठीक है? दीज क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटीज। इन जो क्वांटिटी
जो हमारे पास ईच क्वांटिटी हैज इट्स ओन मेजरमेंट कॉल्ड एज फंडामेंटल देखो ईच क्वांटिटी हैज इट्स ओन यूनिट ऑफ मेजरमेंट हर एक क्वांटिटी है उनकी क्या होती है अलग अलग मेजरमेंट होती है जिनको क्या कहते हैं हम लोग फंडामेंटल यूनिट कहते हैं ठीक है अब है हमारे पास एंशिएंट यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ पहले समय में हम लोग मेजरमेंट है कैसे मापते थे लेंथ का तो हमारे पास स्केल तो था नहीं उस टाइम पे या तो हम लोग किसकी हेल्प से मापते थे एंगल होता है हमारे पास विड्थ ऑफ फिंगर फिंगर की जो विड्थ है उनसे हम लोग क्या करते थे लेंथ को मेजर करते थे ठीक है उसके बाद हैंड स्पैन जो हमारा हाथ है उसकी जो टिप है किसका थंब का टिप लगा लीजिए और लिटिल फिंगर का लाइक दिस ऐसे हमारे पास ठीक है देखो यहाँ दिखा रखा है हमारे पास दिस इज एंगल ठीक है एंगल तो हमारे पास हो गया क्या विड्थ ऑफ फिंगर फिंगर की क्या हो गई विड्थ हो गई ठीक है तो उनकी हेल्प से हम लोग लेंथ को मापते थे फिर हैंड स्पैन है ये आपके पास है हैंड स्पैन लिटिल फिंगर से और थंब है उसका टिप है उसके बीच की क्या हो गई जो लेंथ है ठीक है फिर थर्ड है मेरे पास क्यूबिट क्यूबिट क्या होता है बच्चों लेंथ बिटवीन द टिप ऑफ मिडल फिंगर एंड टिप ऑफ एल्बो जो हमारी मिडल फिंगर है देखो यहाँ देखो उससे लेकर के और जो हमारी एल्बो है वहां तक की जो डिस्टेंस है उसको क्या कहते हैं क्यूबिट बोलते हैं ठीक है देखो एंगल क्या होता है विड्थ ऑफ फिंगर हैंड स्पैन क्या होता है हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन थंब एंड लिटिल फिंगर ठीक है एंड क्यूबिट क्या होता है हमारे पास लेंथ बिटवीन द टिप ऑफ मिडल फिंगर ऑफ आवर हैंड एंड टिप ऑफ एल्बो ठीक है अब नेक्स्ट आता है फुट फुट क्या है हमारा लेंथ ऑफ एक जो आपका पैर है उसकी क्या हो गई जो लेंथ है वो क्या हो गया फुट हो गया पता है हमें पेस क्या होता है डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेप्स आप दो कदम रखते हो ठीक है उनके बीच की जो डिस्टेंस है पेस बोलते हैं उसको हम लोग पेस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेप्स तो पहले हम लोग क्या करते थे इन सभी का यूज करते थे क्या करने के लिए लेंथ को मापने के लिए लंबाई को मापने के लिए इन सभी का क्या करते थे यूज करते थे इन एंशियंट टाइम्स ठीक है पुराने समय में अब क्या होने लग गया हमारे पास पर इससे क्या होता है बच्चों की जरूरी तो नहीं है कि हर एक जो पर्सन है उसकी जो सेम है फिंगर्स की जो साइज है वो सेम हो बच्चों की फिंगर्स स्मॉल होंगी बड़ों की फिंगर्स बड़ी होंगी ऐसे ही हमारे पास जो फुट का साइज है पैर का साइज है वो होता है तो लेंथ उससे एक्यूरेट नहीं आती ठीक है सही नहीं आती जो लेंथ की जो मेजरमेंट है तो इसलिए क्या हुआ धीरे धीरे किसका यूज हो गया मीटर स्केल का डिस्कवर हो गया ठीक है देखो ये एक्टिविटी आपको बता रखी है इसमें मेजरमेंट ऑफ डाइनिंग टेबल विद हैंड स्पैन की हेल्प से आप लोग
जो डाइनिंग टेबल है उसकी लेंथ को मीजर करके बता रहा है, ठीक है, कि 3 हैंड स्पैन है कि 5 हैंड स्पैन है, ठीक है, यहाँ से ले, यहाँ से देखो ये मीजर करने लग रहा है, ठीक है. मीजर द लेंथ ऑफ अवर डाइनिंग टेबल बाय योर हैंड स्पैन एंड आस्क योर फैमिली मेंबर्स टू डू सो. इसमें एक्टिविटी में ये बताया है कि आप लोग क्या कीजिए, अपनी डाइनिंग टेबल है उसकी जो लेंथ है, लंबाई है, उसको अपने हैंड के जो स्पैन है, हैंड स्पैन की हेल्प से क्या कीजिए, उसको मीजर करिए, मापिए, ठीक है, उसकी लेंथ को, और अपनी फैमिली मेंबर से पूछिए या फिर ऐसा करने को बोलिए, ठीक है. और उस रिकॉर्ड को क्या करिए, रिकॉर्ड द मेजरमेंट गिवन बाय ईच मेंबर इन द टेबल. सभी फैमिली मेंबर्स की क्या करोगे, हैंड स्पैन की जो लेंथ है वो रिकॉर्ड करके देख लिख लीजिए आप लोग. फिर आप ये देखोगे इसमें कि सभी का क्या है, हैंड का साइज अलग अलग होता है, हमें पता है, तो क्या होगा, लेंथ का जो साइज है या फिर लेंथ का जो मेजरमेंट है बच्चों, वो भी अलग अलग आएगा, ठीक है ना. क्यों अलग अलग आएगा, क्योंकि हर एक पर्सन का क्या है, हैंड का साइज है वो अलग होगा, डिफरेंट होता है, इसलिए एक्यूरेसी नहीं आएगी, अलग अलग आएगा. जो टेबल की लेंथ है वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं आएगी आपके पास, तो इसीलिए तो क्या होगा, आपके पास ऐसा यूनिट्स वगैरह बनाई गई, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स बनाई गई, ताकि क्या हो जाए, वो सभी के लिए सही हो, ठीक है. स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स का इसलिए यूज हुआ ताकि जो लेंथ वगैरह है उसमें एक्यूरेसी आए, बिल्कुल सही आए. देयर वाज एन अर्जेंट नीड फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट यूनिट्स. हमें क्या है, उसकी अर्जेंट नीड पर जरूरत है, किसकी, मेजरमेंट की, ठीक है ना. मेजरमेंट यूनिट्स क्या है, हमें अर्जेंट है, अर्जेंट नीड है, इसलिए क्या किया, ऐसा यूनिट्स को बनाया गया, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स को बनाया गया साइंटिस्ट वगैरह ने मिलकर, ठीक है. जो दिल्ली में एनपीएल लैब होती है आपके पास, नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी, ठीक है, वहां पर ये सारी ऐसा यूनिट्स वगैरह बनाई गई हैं. एनपीएल है आपके पास दिल्ली में, नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी, वहां पर ये एसआई सिस्टम्स, एसआई यूनिट्स वगैरह, मास को किलोग्राम में मापते हैं, तो उसके लिए क्या है, एक अलग मेजरमेंट है. जैसे हमें पता है ना 1 kg का वेट होता है अलग से, ठीक है, ऐसे ही लेंथ के लिए हमें पता है 1 मीटर में, 1 मीटर में 100 cm होते हैं, तो उसमें क्या है, वो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह है वहां पे उनकी स्केल को मेजर करने के लिए. देखो बच्चों, ये आपके फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, लेंथ, मास, टाइम, वॉल्यूम, ये सारे क्या है बच्चों, फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ये सभी क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज. ठीक है, लेंथ, मास, टाइम, वॉल्यूम, ये ऑल है, ये सभी क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज हैं. आगे जो नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स है वो है ब्लैंक एंड ब्लैंक आर टू पार्ट ऑफ मेजरमेंट. मेजरमेंट के दो पार्ट कौन कौन से होते हैं, एक तो नंबर होता है और दूसरा क्या होता है, यूनिट होती है. ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ 2 kg, तो 2 तो क्या हो गया, नंबर हो गया, और किलोग्राम क्या हो गया, यूनिट हो गई, ठीक है ना, 2 नंबर हो गया और किलोग्राम क्या हो गई, यूनिट हो गई. ठीक है, तो इसमें पा जाएगा नंबर फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में यूनिट. नंबर एंड यूनिट आर टू पार्ट ऑफ मेजरमेंट. ठीक है, थर्ड है आपके पास द विड्थ ऑफ फिंगर इज कॉल्ड, जो फिंगर का जो विड्थ है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, हम लोग एंगल बोलते हैं. ठीक है, ANGUL, एंगल, जो फिंगर्स का जो विड्थ है किस क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं. ठीक है, देखो यहाँ देखिए क्या है, ये फिंगर का
विड्थ है, फिंगर के विड्थ को क्या बोलते हैं, एंगल, ठीक है। हैंड स्पैन क्या होता है, लेंथ बिटवीन टिप ऑफ थंब एंड लिटिल फिंगर ऑफ कंप्लीटली स्ट्रेस्ड हैंड। पूरे हाथ को आप लोग खोलते हो, कंप्लीट हैंड को अपने को, तो क्या होगा, जो थंब के और लिटिल फिंगर के जो बीच की डिस्टेंस है उसको क्या कहते हैं हम लोग, हैंड स्पैन बोलते हैं, ठीक है। फोर्थ वाला है आपके पास, एंशियंट पीपल, सॉरी एंशियंट मेथड ऑफ मेजरमेंट आर नॉट, जो पुराने समय में जो मेजरमेंट है, मापने का जो तरीका है वो सही होता था कि नहीं होता था, आपके पास एक्यूरेट नहीं होता था। यहाँ आपने इस एक्टिविटी में ये देखा कि जो डाइनिंग टेबल है उसकी लेंथ को हैंड स्पैन की हेल्प से मेजर कर रहे हैं, तो सभी का हैंड स्पैन की लेंथ अलग अलग होती है, साइज अलग अलग होता है हैंड्स का, तो एक्यूरेसी नहीं आई ना आपके पास। किसी की मान लीजिए 5 मीटर आ गई, किसी की 3 मीटर आ गई, किसी की 2 आ गई, ठीक है ना, तो एक्यूरेसी नहीं आई आपके पास, बिल्कुल सही नहीं आया, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा वर्ब आर नॉट एक्यूरेट। फिफ्थ है, बिफोर द डिस्कवरी ऑफ व्हील पीपल यूज्ड ब्लैंक टू कैरी देयर लोड्स। व्हील है जो पहिया है, उसकी डिस्कवरी से पहले पीपल है जो लोग हैं वो अपना सामान कैसे कैरी करते थे, एनिमल्स की हेल्प से लोड करते थे, भार करके ले जाते थे उनका। ठीक है, तो ये सभी क्या है आपके पास, फिलिंग द ब्लैंक्स है आपके पास। अब हम कर रहे थे स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, जो एसआई यूनिट्स हैं वो कर रहे थे, तो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है उसको क्या कहते हैं, एसआई यूनिट्स बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेंथ है आपके पास, मास है, टाइम है, ठीक है। लेंथ, मास एंड टाइम, ये बच्चों हमारे पास क्या होते हैं, फंडामेंटल यूनिट भी कह देते हैं हम लोग इनको, ठीक है। लेंथ, मास एंड टाइम, ठीक है, ये हमारे पास फंडामेंटल यूनिट है, ठीक है। लेंथ को हम लोग मीटर में मापते हैं, यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, और मीटर को हम लोग एम से लिखते हैं, और यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, हमें पता है मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, और सिंबल में कैसे लिखते हैं हम, के जी, ठीक है। एंड टाइम की यूनिट क्या होती है हमारे पास, सेकेंड, और सेकंड को हम लोग कैसे लिखते हैं, एस से लिखते हैं, ठीक है। लेंथ को बच्चों मीटर में मापते हैं, यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, एंड यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड। मीटर को हम लोग एम से लिखते हैं, मास को हम लोग किलोग्राम में लिखते हैं, के जी, टाइम को हम लोग सेकंड, एस से लिखते हैं, ठीक है। मैं आपको अभी बता रही थी नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी इंडिया के अंदर, तो कहाँ है वो, न्यू दिल्ली में है, मैंने बता दिया आपको, इन इंडिया द नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी NPL न्यू दिल्ली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द नेशनल स्टैंडर्ड फॉर ऑल एसआई यूनिट्स, ठीक है। अब है मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ यूनिट्स, ठीक है। मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स का बच्चों ये मतलब है, जैसे लेंथ को हम लोग मीटर में भी मापते हैं, ठीक है, सेंटीमीटर में भी, मिलीमीटर में भी, तो वो उसके क्या हो गए, छोटे यूनिट्स हो गए, सब मल्टीपल्स हो गए, ठीक है ना। तो ये हम लोग कल करते हैं। 1 किलोमीटर में हमारे पास 1000 मीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। जब हम इसको mm में चेंज करेंगे 1 मीटर को, तो हमारे पास आ जाएगा 1000 mm, ठीक है। कल करते ही क्लास में।